मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम जो है आपके थर्ड पेपर एजुकेशन मैनेजमेंट एंड इंक्लूसिव स्कूल शैक्षिक प्रबंधन एवं समा विश्वविद्यालय का सृजन में सेकंड यूनिट में हम विद्यालय प्रबंधन पढ़ रहे थे और उस प्रबंधन के अंदर ही प्रधानाध्यापक के गुणों का हमने अध्ययन काफी कुछ कर लिया है। आज हम प्रधाना अध्यापक के कौशल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक प्रधाना अध्यापक के अंदर कौन कौन से कौशल होने चाहिए, स्किल होने चाहिए, जिससे वे प्रबंधन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकते हैं। उसको चार भागों में विभाजित किया गया है कि एक विद्यालय प्रबंधन करने के लिए प्रधानाध्यापक को किन किन क्षेत्र में कार्य करने पड़ते हैं, अपनी स्किल दिखाना पड़ता है, ठीक है। उसको चार भागों में विभाजित किया गया है। इसमें लिखो कौशल, इसको चार भागों में विभाजित किया है अपन। पहला है कौशल, तीसरा है विद्यालय संगठन, विद्यालय संगठन या संचालन का कौशल, ठीक है। और चौथा है परिनिरीक्षण संबंधी कौशल, निरीक्षण कौशल, ठीक है। एक प्रधाना अध्यापक को प्रबंधन व्यवस्था को बैठाने के लिए, कार्य को सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए जो कौशल दिखाने पड़ते हैं, जिन जिन क्षेत्र में अपने स्किल को दिखाना पड़ता है या अपनी कार्य कुशलता को दिखाना पड़ता है, उसको चार क्षेत्र में विभाजित किया है। पहला है शैक्षिक कौशल। शैक्षिक कौशल क्योंकि हम एजुकेशन संस्था से संबंधित हैं, ठीक है, तो स्कूल का प्रधानाध्यापक जो है उसको का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि उसकी स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर शैक्षणिक व्यवस्था की गुणवत्ता उच्च स्तर की हो और उस गुणवत्ता को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक वहाँ नियुक्त होते हैं उनको अधिक से अधिक जो है सामग्री का ज्ञान होना चाहिए, विषय की सामग्री का ज्ञान होना चाहिए, उनके कार्यों का अवलोकन करना चाहिए, जो जांच की जाती है, जो उसमें मूल्यांकन इत्यादि किए जाते हैं उसकी समय समय पर एक जांच कमेटी गठित होनी चाहिए। कौन सा विद्यार्थी जो है पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है तो क्यों नहीं ले रहा है, उसको मोटिवेट करना, इस प्रकार से शैक्षणिक गुणवत्ता का एक रिकॉर्ड मेंटेन करके हम जो है शैक्षिक स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो शैक्षिक स्तर का कार्यों में अपना योगदान देना शैक्षिक कौशल के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो है चार क्षेत्र आते हैं। पहला है अध्यापन कार्य, दूसरा है पाठ्यक्रम संबंधी ईसा है पाठ्य पुस्तकों
शिक्षकों का चयन और चौथा है मूल्यांकन। ठीक है, और मूल्यांकन में परीक्षा से संबंधित कार्य आते हैं। अब देखिए जो शैक्षिक कौशल है उसके अंदर चार क्षेत्र में उनको अपनी कौशल को अपने स्किल को दिखाना होता है। पहला है अध्यापन कार्य, जो अध्ययन अध्यापन का कार्य कक्षा स्तर पर विद्यालय स्तर पर चल रहा है उस कार्य का समय समय पर जांच करना, उसका अवलोकन करना, उसकी गुणवत्ता की जांच करना, ये इसके अंतर्गत आता है। और उसी के अंतर्गत बालकों की और शिक्षकों की कार्यकुशलता को, उसकी शैक्षणिक गुणवत्ता को देखा जाता है कि शिक्षा में कक्षा में पढ़ाई किस तरीके की हो रही है। इसके लिए उनको समाज में उनके अभिभावकों से, छात्रों से संपर्क स्थापित करना होता है, उसके बारे में पूछा जाता है कि आपको किस कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है, पढ़ाई में कोई कठिनाई है या किस कोई कमी है, उसमें सुधार की आवश्यकता है तो उसका सजेशन लिया जाता है, उसके आधार पर भी सुधार करने का प्रयास किया जाता है। तो जो भी अध्ययन अध्यापन संबंधी कार्य होते हैं उसकी जांच करना इसके अंदर, उसके अंदर अपनी कुशलता को दिखाना कि आप उसमें सामान्य से हटके क्या काम कर रहे हो, तब आपका स्किल निकल के पाएगा। कि अध्यापन गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आप अपने विद्यालय में ऐसी कौन सी विशेष योजना चला रहे हो जिससे अन्य विद्यालयों से आपका विद्यालय अलग कहलाएगा। जब सब एक जैसे ही चलेंगे तो हमारा जो विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता भी सबकी एक जैसी ही होगी। उसमें बालकों को के स्तर को बढ़ाने के लिए हम प्रतिदिन क्या प्रयास कर रहे हैं इसका रिजल्ट जब आता है तब उसका परिणाम हमको नजर आता है। और उसी के आधार पर हम कहते हैं कि ये विद्यालय अच्छा है और ये विद्यालय में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। तो एक प्रधान अध्यापक जो है अध्यापन कार्य में समय समय पर अपनी कौशल को सम्मिलित करके उसमें सुधार करने का प्रयास करता है। दूसरा है पाठ्यक्रम संबंधित। अब पाठ्यक्रम सामान्यतः गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है, उसमें जो पीछे से जो आता है सरकार द्वारा निर्धारित होकर पाठ्यक्रम, उसी पाठ्यक्रम को हमको फॉलो करना पड़ता है। परंतु पाठ्यक्रम के जब आप सिद्धांत पढ़ते हो तो उसमें आपने देखा है कि पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन से तात्पर्य क्या है कि उसमें समय पर सुधार करने की संभावना हो, उसमें फेरबदल किया जा सके। तो पाठ्यक्रम सरकार ने निर्धारित जरूर कर दिया है पर पाठ्यक्रम को जब हम क्रियान्वित करते हैं उसमें हमको क्या कमी लग रही है, क्रियान्वित करते हुए ही वह समझ में आई। तो संस्था के अंदर जो पाठ्यक्रम सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं उसमें यदि परिवर्तन की आशंका नजर आ रही है या सुधार की आशंका नजर आ रही है तो सरकार को उसके लिए जो है समय समय पर विदित करना और उसमें परिवर्तन करने के लिए बोलना। तो उसी पाठ्यक्रम में भी कुछ इनोवेशन करना। ठीक है, पाठ्यक्रम पूर्व माना ही पूर्व वहां से आता है निर्धारित होके, पर उसके अंदर जो निर्धारित योजना पाठ्य सहगामी और पाठ्येतर क्रियाएं निर्धारित होती हैं उसके अंदर जो है एक प्रधान अध्यापक अपने कौशल के द्वारा क्या नयापन उत्पन्न करता है, कैसे उस पाठ्यक्रम को पूर्ण कराने का प्रयास करता है वो इसके अंतर्गत आता है। और तीसरा है पाठ्य पुस्तकों का चयन। पाठ्य पुस्तकें सामान्य गवर्नमेंट स्कूल में भी सरकार द्वारा निर्धारित होती हैं। ठीक है, परंतु प्राइवेट स्कूल्स होती हैं उसमें जो है संस्था प्रदान अपने स्तर पर करता है। तो जो पाठ्य पुस्तकों का सिलेक्शन किया जाता है उसमें जो सिलेक्शन कमेटी के सदस्य होते हैं उस हर विषय की विषय वस्तु को बालक के मानसिक और स्तर के अनुसार ध्यान में रखकर उसका चयन करता है। पुस्तकें बालक के स्टैंडर्ड के अनुसार होना चाहिए। इन भविष्य के लिए उसके लिए जो विषय वस्तु उसमें सम्मिलित की जा रही है वो भविष्य के लिए कितनी उपयोगी है ये बात भी उसमें सम्मिलित होनी चाहिए। इन फ्यूचर बालक इससे प्राप्त ज्ञान को कैसे अप्लाई कर
संस्था प्रधानों से भी उसके बारे में सुझाव मांगा जाता है, तो सुझाव के रूप में अपने सजेशन देकर उसमें एक कुछ नया करने की कोशिश, नई विषय वस्तु सम्मिलित कराने का प्रयास करना चाहिए। और लास्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन से तात्पर्य यह है कि जो पढ़ाया गया है और उस जो बालकों को जो प्राप्त ज्ञान का की जांच करने के लिए हम समय समय पर जो भी एग्जाम लेते हैं, जो परख करते हैं और उसके प्राप्त परिणाम होते हैं, उस परिणामों की जांच करना और उसमें सुधार के लिए कुछ नए टेक्नोलॉजी, नया कौशल लगाना, बालकों का यदि परिणाम बेहतर नहीं आ रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए आप क्या नई योजना चला रहे हो, क्या नया कंसेप्ट ला रहे हो जिससे बालक मोटिवेट होकर पढ़ने के लिए प्रेरित हो। मूल्यांकन में परीक्षा से संबंधित कार्य की जांच आता है। अब दूसरा है कि एक प्रधानाध्यापक संस्था के अंदर जब कार्य करता है तो उसको बहुत जनों से संपर्क स्थापित करना पड़ता है, तो वो संपर्क का क्षेत्र जो है किस तरीके का होता है, किन किन से होता है, वो भी जो है चार जनों से संपर्क स्थापित किया जाता है। पहला है अध्यापकों से संपर्क, दूसरा है छात्रों से संपर्क, तीसरा है अभिभावकों से संपर्क और चौथा है समाज से संपर्क। विद्यालय के अंदर सबसे पहले उनको अपने अधीन जो कर्मचारी हैं, जो अध्यापक हैं, उनसे संपर्क स्थापित करना, क्योंकि कोई भी कार्य क्रियान्वित करने के लिए, कोई भी योजना को क्रियान्वित करने के लिए अकेला प्रधानाध्यापक उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, ना ही अकेला प्रधानाध्यापक उसको कर सकता है, तो एक श्रृंखला में एक चयन में काम किया जाता है। तो उसको सबसे पहले प्रधानाध्यापक को अध्यापकों से संपर्क स्थापित करना होता है, उसको अपनी भावी योजनाओं के बारे में उनको बताना होता है, कार्य को कैसे संपादित करना है उसके बारे में वो बताएगा और अपनी आगामी जो भी योजना है उससे उनको अवगत करेगा और उनको जो है सभी को अपने अपने विषय और रुचि के अनुसार कार्य दिया जाएगा। तो अध्यापकों से संपर्क ऐसा नहीं है कि प्रधान अध्यापक संस्था प्रधान है तो वो जो है, जब हमने प्रबंधन पढ़ा था तो दो प्रकार का प्रबंधन होता है, एक निरंकुश एक प्रजातांत्रिक। तो निरंकुश प्रबंधन के आधार पर जो है व्यवहार बनाना एक प्रधानाध्यापक और शिक्षक या अधीन कर्मचारियों के लिए सही नहीं है। हमको सहयोग के माध्यम से मित्रतापूर्ण व्यवहार करके हम किसी से कार्य को दुगना करा सकते हैं। हम ऑर्डर के या निरंकुशता के माध्यम से, दर के माध्यम से हम थोड़े समय तक किसी से कार्य करा सकते हैं, पर हम लंबे समय तक किसी से इस कार्य उस आधार पर कराने की यदि कोशिश करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है, उसका जरूर विरोध या आक्रोश सामने नजर आता है। तो अध्यापकों से संपर्क करके अपनी योजना के बारे में बताना होता है। दूसरा, उसके बाद छात्रों से उनके समस्याओं के बारे में पूछना, उनको समझ आ रहा है विषय, समझ आ रहा है जो भी अध्यापक पढ़ा रहा है, वो माना हो सकता है कि उनकी पढ़ाने का बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो उनसे राय लेना, बच्चों से कोई समस्या है तो उसकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनना, ऐसा नहीं कि समस्याओं को सुनकर उनको डांट कर भेज दिया जाए, बालक की समस्याओं को भी व्यक्तिगत समस्या समझ के उसको समाधान करने का प्रयास किया जाए। तीसरा है अभिभावकों से संपर्क, क्योंकि बालक पेरेंट टीचर मीटिंग जो आयोजित की जाती है उसका उद्देश्य यही है कि बालक की परफॉर्मेंस के बारे में उनके अभिभावकों को बताया जाए और अभिभावकों
अपने विद्यालय की उन्नति और अवनति के बारे में जानकारी हासिल की जाए और फिर उसमें सुधार करने के का प्रयास किया जाए। और लास्ट है संपर्क, क्योंकि विद्यालय और समाज दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। विद्यालय समाज के बिना अशिक्षित है और समाज विद्यालय के बिना अशिक्षित है। क्यों? क्योंकि विद्यालय में जो विद्यार्थी आ रहे हैं वो समाज के ही अंश आ रहे हैं और उस अंश में जो गुणों का को उत्पन्न किया जा रहा है और उन गुणों को का दर्शन जो है समाज में ही होता है और उससे बेहतर समाज की स्थापना की जा सकती है। तो इसलिए अभिभावक समाज से भी जो है विद्यालय का कार्य समझ है और समाज के प्रतिनिधित्व का कार्य भी विद्यालय करता है। विद्यालय अपने श्रेष्ठ गुणों से बालक को और प्रोत्साहित करके एक सुनागरिक बनने के गुणों को उसके अंदर भरता है और वही भावना एक बेहतर कल्याण बेहतर समाज के लिए बहुत ही अनिवार्य मानी जाती है। तीसरा है विद्यालय संगठन, ठीक है, इसमें भी जो है पांच बताए हैं। विद्यालय संगठन में पहला है कार्य विभाजन, कार्य का विभाजन, दूसरा है समय तालिका, समय तालिका निर्माण, तीसरा है पाठ्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संगठन। और चौथा है शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा। और पांचवा है अनुशासन एवं शारीरिक अनुशासन एवं चारित्रिक नियंत्रण। ठीक है कि विद्यालय संगठन करने के लिए विद्यालय का संचालन करने के लिए उनको कार्य का विभाजन किया जाता है कि जो भी कार्य है कौन कौन सा कार्य करेगा, किसको कौन सा कार्य व्यक्ति की रुचि आयु स्तर इत्यादि को ध्यान में रखकर दिया जाता है। ठीक है, समय तालिका का निर्माण कि टाइम टेबल यदि नहीं बना होगा तो किस व्यक्ति को यह नहीं मालूम होगा कि कौन सा काम किसको कब क्या करना है, कार्य में कोई व्यवस्था नहीं दिखाई देगी। इसकी व्यवस्था के लिए विद्यालय को सही रूप में चलाने के लिए समय तालिका का निर्माण किया जाता है। और तीसरा है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संगठन, समय समय पर शैक्षणिक कार्यक्रम के साथ साथ में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी आयोजन किया जाता है जिससे बालक जो है उन गतिविधियों को कैसे संपन्न किया जाता है या उसको क्यों मनाया जा रहा है उसके महत्व के बारे में जानेगा, अधिक से अधिक वो अपने कौशल को दिखाने का प्रयत्न करेगा। उन क्रियाओं को कब कैसे कराया जाता है उसका एक टाइम टेबल बनाना। चौथा है शारीरिक शिक्षा, बालक के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए शारीरिक विकास के लिए जो स्पोर्ट्स खेलकूद प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं उसका यही उद्देश्य होता है, क्योंकि बालक जिस समय विद्यालय में होता है उस समय उसका शारीरिक विकास भी होता है और शारीरिक विकास यदि एक बार अवरुद्ध हो गया तो बालक का जो है व्यक्तित्व तो सही नहीं नजर आएगा या उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। इसीलिए विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है और खेलकूद प्रतियोगिताएं बालक की आयु स्तर और रुचि को ध्यान में संपन्न कराई जाती हैं। किस समय कौन सी प्रतियोगिता करानी है उसको संपन्न कराना, उसका टाइम टेबल बनाना
और आपके अनुशासन चालित विचरण है, क्योंकि बिना अनुशासन के हम किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर सकते। और अनुशासन में जब हम कार्य करते हैं तो एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, उससे एक चरित्र का, अच्छे चरित्र का निर्माण होता है, बालक उसको उससे प्रेरणा लेता है। ठीक है, इसके बाद चौथा है, चौथा जो है इसमें देखिए निरीक्षण में है, शिक्षण कार्य का निरीक्षण, शिक्षण कार्य का निरीक्षण किस किस तौर को निरीक्षण करना है। दूसरा है प्रयोगशाला, तीसरा कार्यशाला, कार्यालय जो है ना, कार्यालय, चौथा है पाठ्य सहगामी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। इन सब का निरीक्षण समय समय पर एक प्रधानाध्यापक को करते रहना चाहिए, ताकि कार्य सही रूप में व्यवस्थित रूप से संपन्न हो। इसमें अपनी विद्वता, अपना कौशल एक प्रधानाध्यापक को दिखाना होता है। इस प्रकार से एक प्रधानाध्यापक एक विद्यालय का प्रबंधन, मैनेजमेंट, कार्य, अपनी कार्य कुशलता के माध्यम, हर आदमी का कार्य करने का तरीका अलग होता है। आपका गृह कार्य है प्रधानाध्यापक के कौशल के प्रकार को समझाइए। एक प्रधानाध्यापक में अभी अपने किए हैं चार कौशल, उसके प्रकार को पूरा स्पष्ट करना है। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को धोते रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के ही बाहर